हमारा 21वां क्वेश्चन है, द फंड इन विच यूनिट्स कैन बी परचेज ओनली ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर पीरियड आर कॉल्ड, मीन्स इनिशियल पीरियड में ही आप यूनिट बाय कर सकते हैं, वो कौन सा फंड होता है? तो वो होता है क्लोज एंडेड फंड। 22वां क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया अकर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, कौन से साल में म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किया गया? तो उसका आंसर रहेगा 1963। 23वां क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक आर कंसिडर्ड हाई रिस्क फंड्स बट ऑल्सो टेंड टू प्रोवाइड हाई रिटर्न्स, ये वाला जो फंड होता है वो हाई रिस्क फंड बोला जाता है लेकिन वो अच्छा रिटर्न भी देता है, तो वो होता है इक्विटी फंड। 24वां क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक आर फंड्स दैट इन्वेस्ट इन कंपनीज डिबेंचर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड अदर फिक्स्ड इनकम एसेट, ये वाला जो फंड है वो कंपनी डिबेंचर्स गवर्नमेंट बॉन्ड और अदर फिक्स्ड इनकम एसेट में भी इन्वेस्ट करता है, तो वो कौन सा फंड है? तो वो रहेगा डेट फंड। 25वां क्वेश्चन है हमारा, HDFC सेंसेक्स ETF इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, HDFC सेंसेक्स ETF जो है वो नीचे में दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा उसका एग्जाम्पल है? तो उसका आंसर रहेगा इंडेक्स फंड। ओके, तो 25वां जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा इंडेक्स फंड, HDFC सेंसेक्स ETF वो एक तरह का इंडेक्स फंड है। मैं आपको ETF के बारे में भी बता दूं कि ETF जिसे बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो एक स्टॉक की तरह ही आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, और एक्टिव मार्केट में भी आप ETF को ट्रेड कर सकते हो। अब आपको होगा कि इंडेक्स फंड और ETF में क्या फ़र्क है, तो जो ETF होता है वो कभी भी अपने जो अपना जो बेंचमार्क होता है या कॉरस्पॉन्डिंग इसका जो इंडेक्स होता है उसे कभी भी वो आउट परफॉर्म करने की कभी भी कोशिश नहीं करता। उसमें हायर लिक्विडिटी रहती है, ETF में हायर लिक्विडिटी रहती है और उसमें म्यूचुअल फंड से कम फीस भी रहती है, तो ये एक ETF का बेनिफिट है। चलिए आगे का क्वेश्चन है 26 नंबर, निपोन इंडिया फार्मा फंड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, निपोन इंडिया फार्मा फंड है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसका एग्जाम्पल है? तो वो इक्विटी फंड का एग्जाम्पल है। एम्फी कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? ओके, कब एस्टाब्लिश हुआ था? तो उसका आंसर रहेगा 22 अगस्त 1995। विच टाइप ऑफ फंड इज़ मोर वॉलेटाइल, किस तरह के जो फंड्स होते हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं? तो उसका आंसर रहेगा लार्ज कैप फंड्स। 29th क्वेश्चन है, एन इन्वेस्टर पेज अ टैक्स ऑन द डिविडेंड दैट ही रिसीव फ्रॉम द म्यूचुअल फंड स्कीम एट, अगर इन्वेस्टर को कोई डिविडेंड मिलता है म्यूचुअल फंड से तो उसको उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा? तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%। चलिए आगे का क्वेश्चन है, इन्वेस्टर्स कैन एंटर एंड एग्जिट अंडर ब्लैंक एट एनी टाइम, ये कौन सा फंड है कि जिसके अंदर इन्वेस्टर कभी भी एंटर भी हो सकता है और एग्जिट भी हो सकता है? तो वो है बी ओपन एंडेड फंड्स।